हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CUET PG LLB 2024 के बारे में, जिसके थ्रू आपके DU LLB एंड BHU LLB के एडमिशन्स होंगे। अगर आपको 3 ईयर LLB करनी है तो DU और BHU जो है आपके टॉप यूनिवर्सिटीज़ हो जाती हैं, तो उसमें किस तरह से आपको एडमिशन मिलेगा, आपका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, उस सिलेबस को आप किन बुक्स से कवर कर सकते हो, ये सारी डिटेल्स जो है इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो कोर्स किस तरह से आप ज्वाइन कर सकते हो, आपको डिस्काउंट किस तरह से मिलेगा, वो सारी चीज़ें भी वीडियो के एंड में हम डिस्कस कर लेंगे। अब देखो, सबसे पहले हम बात करें CUET PG के अंदर। जैसे कि आपको पता है, बहुत सारे एग्ज़ाम्स आते हैं, बहुत सारे एंट्रेंस जो है CUET PG के अंदर कंडक्ट होते हैं, तो LLB के एडमिशन जिस एंट्रेंस से होंगे, जिस पेपर कोड से होंगे, वो पेपर कोड है आपका CUQP 11। ये आपका 2023 में पेपर कोड था, हो सकता है 2024 में आपका चेंज हो जाए, लेकिन जो आपका सिलेबस है वो मोस्ट वेडली सेम ही रहेगा, तो इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब CUQP 11 जो आपका पेपर कोड है, ये आपका एक जनरल पेपर कोड है जिसके थ्रू आपके LLB के एडमिशन तो होंगे ही, इसके अलावा और भी बहुत से कोर्सेज हैं जिनके एडमिशन आपके CUQP 11 पेपर कोड के थ्रू होते हैं। जैसे आपका बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज हो गया, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजी स्टडीज़ हो गया, और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, इन सभी कोर्सेज के एडमिशन आपके CUQP 11 के थ्रू ही होंगे। अभी जो CUQP 11 पेपर कोड है, ये आपका बाइलिंगुअल पेपर होता है, यानी कि इसका एग्ज़ाम आपका हिंदी मीडियम में भी होगा और इंग्लिश मीडियम में भी होगा। 100 क्वेश्चंस आपके आएंगे और हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, यानी 400 मार्क्स का आपका टोटल पेपर होने वाला है। इसके अलावा एक क्वेरी एक स्टूडेंट की आती है कि जो DU LLB के एडमिशन होंगे उसमें पहले लीगल का सेक्शन आता था, अब लीगल का सेक्शन हटा दिया है, तो इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है कि जो 2024 में लीगल का सेक्शन फिर से इंक्लूड कर दिया जाए। तो देखो, कुछ यहाँ पे कह नहीं सकते कंफर्म कि आपका 2024 में लीगल का सेक्शन आएगा या नहीं आएगा, अभी के अकॉर्डिंग कुछ भी कंफर्म नहीं है। अभी जो आप प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, आपको CUQP 11 का जो पेपर है, जो पैटर्न है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपनी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये आपको इस बात को ध्यान से अपने दिमाग से निकाल दो कि लॉ आएगा या नहीं आएगा। अभी आपको बस एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि जो CUQP 11 का पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी है। अगर पैटर्न में थोड़ा बहुत चेंज होता भी है तो वो चेंज आपको पता लगेगा दिसंबर या जनवरी के मंथ में। अब दिसंबर या जनवरी तक आप बिना प्रिपरेशन के तो बैठ नहीं सकते, तो अभी आपको CUQP 11 के अकॉर्डिंग ही अपनी प्रिपरेशन जारी रखनी है। इसके अलावा मान लो आप और भी किसी लॉ एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे मान लो आप MHCET की प्रिपरेशन कर रहे हो, NLSET की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर आप मान लो PU LLB की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो अगर आप और किसी एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें लॉ के सब्जेक्ट आते हैं, तो अब आप तो उसके अकॉर्डिंग आप लॉ के प्रिपरेशन भी अपने साथ के साथ कर सकते हो। लेकिन DU एंड BHU के लिए अभी के लिए जो सिलेबस आपको फॉलो करना है वो CUQP 11 का ही सिलेबस होने वाला है। होपफुली ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। मार्किंग स्कीम की बात करें तो आपके, जैसे कि मैंने आपको बताया, 100 क्वेश्चन आपका आएंगे, हर क्वेश्चन 4 मार्क का, यानी 400 नंबर का आपका पेपर होगा। अगर आप सही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो तो आपके 4 मार्क्स मिलेंगे आपको, अगर आप गलत करते हो तो आपके -1 की नेगेटिव मार्किंग आपको मिलेगी, यानी कि -1 आपकी 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। सही क्वेश्चन के लिए +4, गलत क्वेश्चन के लिए -1, अगर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते हो तो उसके लिए आपको 0 मार्क्स दिए जाएंगे। अब देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया, CUET PG के अंदर आपके बहुत सारे कोर्सेज हैं और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक उसी तरह से CUET PG में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपके LLB के कोर्स को ऑफर करती हैं, लेकिन जो मेन रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है LLB के लिए वो सिर्फ 2 हैं, DU एंड BHU। इसके अलावा मान लो आपको किसी और यूनिवर्सिटी में भी आप इंटरेस्टेड हो तो आप अपनी लोकेशन के अकॉर्डिंग देखो। जैसे मान लो आप हरियाणा के हो तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा आप देख सकते हो, जम्मू एंड कश्मीर से हो तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आप देख सकते हो। तो इस तरह से आप अपनी लोकेशन के अकॉर्डिंग बाकी यूनिवर्सिटीज़ भी देख सकते हो, लेकिन जो मेन रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं 3 ईयर LLB के लिए CUET PG के अंदर, वो सिर्फ 2 हैं, DU एंड BHU। तो DU की बात करें तो इसके लिए अंदर आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री, अगर आप फाइनल ईयर में हो, आपकी 2024 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो या अनरिजर्व कैटेगरी से, तो आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, EWS के लिए 50%, अगर आप OBC, CW या PWD कैटेगरी से तो 45%, SC ST के लिए 40%। सेम उसी तरह से BHU की भी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो यहाँ पे मेंशन की हुई है, इसको आप रीड कर सकते हो। जनरल कैटेगरी के लिए स्टूडेंट्स के लिए 50% मार्क्स आपके ग्रेजुएशन के अंदर होने चाहिए। CUQP 11 के सिलेबस की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया, 100 क्वेश्चंस आपके आने हैं MCQ फॉर्मेट में। अब देखो, 100 क्वेश्चन आपके इन 5 सेक्शन से आएंगे, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस जिसके अंदर आपका करंट अफेयर भी इंक्लूडेड है, कंप्यूटर बेसिक्स, जनरल एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग, ये 5 सेक्शन आपके होने वाले हैं। और ये बात ध्यान रखना, जो फर्स्ट सेक्शन है आपका इंग्लिश का जो सेक्शन है, अगर आपने इंग्लिश मीडियम लिया तो आपके इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे,
अगर आपने हिंदी मीडियम लिया तो आपके हिंदी के क्वेश्चन आएंगे, बायलैंग्वल पेपर होगा आपका होगा, और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उसके क्वेश्चन आपके हिंदी में भी होंगे और इंग्लिश में भी होंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो आपके मार्क्स का वेटेज क्या, यानी किस सेक्शन के कितने क्वेश्चन आएंगे। तो देखो सिलेबस के अंदर ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आएंगे, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली अगर आप 2022 और 2023 का पेपर देखोगे तो इंग्लिश के क्वेश्चन आपके 20 से 25 के बीच में होते हैं, 20 से 25 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के हो सकते हैं। जनरल नॉलेज की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली आपके 20 क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस से आते हैं, इसके अंदर आपके करंट अफेयर के सेक्शन इंक्लूडेड है। जनरली सीयूईटी पीजी में करंट अफेयर के क्वेश्चन कम ही आते हैं, 3-4 क्वेश्चन मैक्सिमम आपके करंट अफेयर से होंगे, उससे ज़्यादा आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन नहीं होंगे। कंप्यूटर बेसिक्स की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 10 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर बेसिक्स से आ जाते हैं। जनरल एप्टीट्यूड की बात करें तो इसमें अप्रॉक्सीमेटली 25 या कभी कभार 26-27 क्वेश्चन भी आपके जनरल एप्टीट्यूड से आ सकते हैं। लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली आपके 20 क्वेश्चन जो है लॉजिकल रीजनिंग के सेक्शन से आते हैं, कभी कभार 22-23 भी आपके लॉजिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चन हो सकते हैं। तो ये आपका ब्रॉड मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहता है कि किस सब्जेक्ट से आपके कितने क्वेश्चन आने हैं। अब देखो इस वीडियो के अंदर हम सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी डिस्कस नहीं करेंगे कि हर सब्जेक्ट को आपको किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए। बेसिक हमारा मोटिव ये है कि हर सब्जेक्ट में कौन कौन से आपके टॉपिक सिलेबस में दिए हुए हैं और उन टॉपिक्स को आप किस बुक से कवर कर सकते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। बाकी सब्जेक्ट वाइज वीडियो में अलग से अपलोड करूँगा कि हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए, अगर आप उस सब्जेक्ट में वीक हैं या स्ट्रॉन्ग है तो किस तरह से आपको प्रिपेयर करना है, कितना टाइम आपको लगेगा, क्या क्या टॉपिक्स आपको कवर करने चाहिए, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो हर सब्जेक्ट की अलग अलग वीडियोज़ में अपलोड करूँगा। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वो वीडियोज़ जल्दी अपलोड होना स्टार्ट होंगी। अभी सिलेबस की बात करें तो इंग्लिश के अंदर आपका जो सेक्शन आएंगे वो हैं इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश यूजेस, एरर, जंबल्ड पैरा, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराग्राफ कंप्लीशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, साइनोनिम, एंटोनिम, इसके अलावा इडियम एंड फ्रेजेस, ये सारे आपके इंग्लिश के टॉपिक्स होने वाले हैं। हिंदी के अंदर सेम टॉपिक्स यहाँ पे लिखे हुए हैं हिंदी में, हिंदी व्याकरण, अशुद्ध प्रयोग, परिच्छेद, उचित क्रम, वाक्य शुद्धि, वाक्य परिष्कार, पाठ बोधन, वाक्य की पूर्णता, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, समानार्थी एवं विलोम शब्द, मुहावरे एवं कहावते, ये आपका हिंदी का सिलेबस है। दोनों में से आपको एक ही करना है, या तो आपको इंग्लिश करना है या आपको हिंदी करना है। बुक्स की बात करें तो अगर आपके पास कॉम्पिटेटिव एग्जाम की पहले से कोई इंग्लिश की बुक है तो आप उसमें से प्रिपेयर कर सकते हो, अगर आपके पास कोई बुक नहीं है तो उस केस में आप इन दोनों में से कोई एक बुक ले सकते हो। फर्स्ट आपकी है अरिहंत पब्लिकेशन की ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश, जो कि एस पी बख्शी द्वारा लिखी गई है, तो इसको आप ले सकते हो, या फिर दिशा पब्लिकेशन की आती है इसेंशियल इंग्लिश, इसको भी आप ले सकते हो। नेक्स्ट सेक्शन आपको और जो सबसे हैवी सेक्शन है वो आपका जीके का या जनरल अवेयरनेस का, जिसके अंदर आपके करंट अफेयर भी इंक्लूडेड है। इसमें आपके टॉपिक है लिटरेचर, हिस्ट्री, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पर्सनैलिटीज, स्पोर्ट्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल इकॉनमी, इकोनॉमिक साइंस, पॉलिटिक्स, ट्रेड अवेयरनेस, ज्योग्राफी एंड कल्चर। ये सारे टॉपिक्स आपके काफ़ी वास्ट टॉपिक्स हैं, यानी कि हर टॉपिक में से आपके एक दो क्वेश्चन ही आएंगे, लेकिन वो टॉपिक अपने आप में काफ़ी बड़ा है। तो आपको कोई ऐसी बुक चाहिए जिसमें कंसाइज में ये सारे टॉपिक्स दिए गए हों, ठीक है। तो या तो आप लूसेंट की जनरल नॉलेज ले सकते हो, या फिर ये बुक आपको हैवी लग रही है तो और भी कई बुक्स आती है जो इससे थोड़ी पतली होती है, जैसे अरिहंत पब्लिकेशन की आती है जनरल नॉलेज, या और भी कोई पब्लिकेशन की अगर आपको जनरल नॉलेज की बुक मिलती है जो कंसाइज है तो उसको आप ले सकते हो। अगर आप डिटेल में थोड़ा पढ़ना चाहते हो तो आप लूसेंट की ले सकते हो, लूसेंट वाली थोड़ी डिटेल है लेकिन अप्रॉक्सीमेटली नॉलेज इसमें आपको ज़्यादा दी हुई है और कंसाइज मैनर में भी इसमें दिया हुआ है। लेकिन अगर आपको कोई पतली बुक चाहिए तो आप अरिहंत वगैरह में जा सकते हो। करंट अफेयर की बात करें तो देखो करंट अफेयर कितने मंथ से कवर करने चाहिए, तो देखो अगर आपके पास टाइम है तो आप 12th मंथ के 12 महीने के कवर कर लो, जून 2023 से लेकर मई 2024 तक के आप करंट अफेयर कवर कर सकते हो। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप 6 महीने कवर करंट अफेयर जो है मिनिमम आपको कवर करने ही पड़ेंगे। करंट अफेयर आप कहाँ से कवर करोगे, तो देखो जैसे कि मैंने आपको बताया करंट अफेयर के मैक्सिमम आपके 3-4 क्वेश्चन ही आएंगे, तो 3-4 क्वेश्चन को कवर करने के लिए आप डेली न्यूज़पेपर में 1-2 घंटे आपको वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। या तो आप कोई मंथली मैगजीन ले लो, या कोई ईयरली मैगजीन कंपाइलेशन आपको मिल जाती है आप वो ले लो, या फिर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आप उसके अकॉर्डिंग भी कवर कर सकते हो। जैसे पूरे साल की जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ में पर्सनैलिटीज़ हैं, स्पोर्ट्स की न्यूज़ हैं, बहुत सारी जो आपकी ट्रीटीज़ होती हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज होते हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं, बहुत सारे बुक्स, ऑथर्स वगैरह, अवार्ड्स, ये सारे जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इनको आप कवर कर सकते हो, उससे भी आपका काम हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया 3-4 क्वेश्चन ही आपके आने हैं तो उसमें आप बहुत ज़्यादा टाइम करंट अफेयर में आप डिवोट नहीं कर सकते। इसके अलावा टाइम की अगर बात करो तो मैक्सिमम आपके पास 8-9 महीने का टाइम आपके पास अभी बच गया, क्योंकि अगस्त जो आपका स्टार्ट हो चुका है। और आपके को एक बात ध्यान रखनी है कि आप में से मोस्ट स्टूडेंट ऐसे होंगे जो आपके लास्ट ईयर में होंगे, तो आपको जो लास्ट ईयर के एग्जाम है मोस्ट प्रोबेबली आपके 5th और 6th सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम हैं वो आपको देने पड़ेंगे। तो कम से कम 2 से 3 महीने ऐसा टाइम रहेगा जब आप अपनी एंट्रेंस की प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे, तो मैक्सिमम आपके पास 8 से 9 महीने ही हैं, तो आपको प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। अगर आपकी मैथ्स रीजनिंग वगैरह वीक है तो आप बिल्कुल स्टार्ट कर दो, अगर आपकी मैथ्स और रीजनिंग वगैरह ठीक है, बाकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी आप पहले से करते आ रहे हो
तो उस केस में आप 3-4 महीने में कवर कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी मैथ्स रीजनिंग वगैरह वीक है, आपको जीके को डिटेल में कवर करना है, तो आपको कम से कम 8-9 महीने का टाइम लगेगा, और उतना ही टाइम आपके पास बचा हुआ है। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि डेफिनेटली आप अपनी प्रिपरेशन जो है स्टार्ट कर दो, क्योंकि एग्जाम्स के टाइम पे जब आपके सेमेस्टर एग्जाम होंगे उस समय आप नहीं पढ़ पाओगे। नेक्स्ट सेक्शन है आपका कंप्यूटर का। कंप्यूटर आप इस बुक्स में से कवर कर सकते हो, अरिहंत पब्लिकेशन की आती है कंप्यूटर अवेयरनेस, इसमें से आप कवर कर लो। इसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके करंट ट्रेंड में रहते हैं जो इसमें दिए नहीं हुए, क्योंकि ये बुक जो है थोड़ी पुरानी पब्लिश्ड है, लेकिन मोस्ट टॉपिक्स जो है वो आपके इस बुक्स में से कवर हो जाएंगे। टॉपिक जो है आपके कंप्यूटर के अंदर वो है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर एब्रीवेशन, कंप्यूटर शॉर्टकट्स, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जिसके अंदर आपको ऑफिस वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, एक्सेस, आउटलुक ये सब दिया हुआ है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, स्टोरेज डिवाइसेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, इंटरनेट, कंप्यूटर नेटवर्क, वेबसाइट, वेब ब्राउजर, कंप्यूटर वायरस और कंप्यूटर रिलेटेड टर्म्स, ये सारे टॉपिक्स आपको कंप्यूटर के अंदर कवर करने हैं। एक बात आप ध्यान रखो, जो आपके CUET PG का LLB का जो आपका पूरा सिलेबस है, उस सिलेबस से रिगार्डिंग आपके स्ट्रेटेजी वीडियो चैनल पर आएंगी। इसके अलावा और भी आपकी वीडियोज है जिसमें टॉपिक्स को भी कवर किया जाएगा, वो वीडियोज भी आपके चैनल पर आएंगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। LLB के रिगार्डिंग आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट है आपका मैथ्स का सेक्शन, जिसको आप जनरल एप्टीट्यूड बोल सकते हैं। इसके अंदर कुछ टॉपिक्स आपके रीजनिंग के भी दे दिए गए, जैसे क्लॉक और कैलेंडर हो गया, ये आपके रीजनिंग के टॉपिक्स हैं। इसके अलावा एवरेज, सिंप्लीफिकेशन, प्रॉब्लम ऑन एजिस नंबर, ट्रेन, LCM, HCF, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, पार्टनरशिप, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड डिस्टेंस, स्टॉक एंड शेयर, डिस्काउंट एंड बैंकर डिस्काउंट, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, सेट्स, यूनियन, परमिटेशन, कॉम्बिनेशन, मिक्सचर, एलिगेशन एरियाज, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, ये सारे टॉपिक्स हैं जो मैथ्स के अंदर आपको कवर करने हैं। बुक्स आप कौन सी ले सकते हो, तो ये अरिहंत पब्लिकेशन की बुक आती है, फास्ट ट्रैक ट्रैक ऑब्जेक्टिव अर्थमेटिक, राजेश वर्मा की ये बुक है, इसको आप ले सकते हो। इसमें काफ़ी डिटेल में दिए हुए हैं हर टॉपिक्स को। इसके अलावा आपको थोड़े शॉर्ट में चाहिए तो 30 डेज वंडर बाय एस चांद आती है, उसको भी आप ले सकते हो। इसके अलावा कोई भी आपके पास कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बुक है तो उसको आप कवर करो, उससे आपका काम हो जाएगा। लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो इसके अंदर आपके टॉपिक्स हैं रैंकिंग टेस्ट, लीनियर अरेंजमेंट्स, मैट्रिक अरेंजमेंट्स, सीक्वेंसिंग, सेंटेंस, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, कॉज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट असम्पशन, स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन, नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, इन्फ्रेंसिस, नॉन वर्बल रीजनिंग, एनालॉजी टेस्ट, सिंबल बेस्ड प्रॉब्लम्स, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टेस्ट, एनालिटिकल रीजनिंग, ये सारे टॉपिक्स आपके लॉजिकल रीजनिंग में कवर करने हैं। और इसके लिए आप बुक ले सकते हो RS अग्रवाल की वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, इसके अंदर आपके सारे टॉपिक्स डिटेल में दिए हुए हैं। तो ये आपके सारे के सारे सिलेबस का पार्ट हो गए, किस तरह से आपको कौन से बुक से आप कवर कर सकते हो। बाकी जैसे कि मैंने आपको बोला, डिटेल स्ट्रेटजी आपकी हर सब्जेक्ट की जल्दी अपलोड होगी, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। अब देखो कोर्स की बात करें तो जैसे कि आपको पता है 3 ईयर LLB के अंदर एक तो आपका DU एंड BHU जिसके एडमिशन आपके CUET PG के थ्रू होंगे, लेकिन इशू यहाँ पे यह है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिसके मैथ्स और रीजनिंग जो है इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाती है, तो उनको जो है बैकअप में और भी यूनिवर्सिटीज़ के फॉर्म फिल करने चाहिए। तो बेसिकली हमारे पास दो तरह के कोर्स इस बार हम लॉन्च कर रहे हैं। एक कोर्स तो आपका सिंपली CUET PG के लिए होगा, CUET PG 2024 के लिए, जिसके अंदर आपको कोर्स और उसके अंदर ही कोर्स के अंदर ही मॉक्स इंक्लूडेड होंगे। एक बात आप ध्यान रखो, जिस स्टूडेंट को मॉक्स लेने हैं सिर्फ वो मॉक्स के अंदर एनरोल करेगा, जो भी स्टूडेंट कोर्स के अंदर एनरोल कर रहे हैं आपको पूरे की पूरी मॉक टेस्ट सीरीज जो है उसके अंदर अटैच मिलेगी, आपको मॉक टेस्ट सीरीज अलग से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक कोर्स हमारा DU LLB एंड BHU LLB के लिए, जिसके अंदर आपको CUET PG LLB का जो पूरा कोर्स होगा वो कंप्लीट कवर किया जाएगा वीडियो लेक्चर्स के थ्रू। PDF फॉर्मेट में आपको नोट्स मिलेंगे, मॉक्स आपको मिलेंगे, मॉक्स आपके सारे के सारे मॉक्स जो है इसके अंदर इंक्लूडेड होंगे। मॉक्स के अंदर क्या क्या है वो सारी चीज़ें मैं आगे डिस्कस करूंगा। इसके अलावा दूसरा कोर्स जो होगा 3 ईयर LLB का है, जिसके अंदर आपका CUET PG का तो पूरा सिलेबस कवर होगा। इसके अलावा MHCET, पंजाब यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और लखनऊ यूनिवर्सिटी, ये सारे जो 4 एंट्रेंस टेस्ट है 3 ईयर LLB के अंदर, इसका सिलेबस भी आपका कवर करवाया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, दो कोर्स हैं, एक CUET PG LLB के लिए और दूसरा 3 ईयर लॉ के लिए, इन दोनों में से कोई एक आप ज्वाइन कर लो। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ CUET PG देना है तो आप ये कोर्स ज्वाइन करो, अगर आपको बाकी एंट्रेंस भी देने हैं तो आप ये पर्टिकुलर कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। टेस्ट सीरीज इन दोनों के अंदर इंक्लूडेड रहेगी, DU LLB के वाले कोर्स के अंदर या CUET PG वाले कोर्स के अंदर CUET PG की टेस्ट सीरीज होगी और 3 ईयर लॉ वाले के अंदर 3 ईयर लॉ की टेस्ट सीरीज होगी। अब ध्यान रखो इसमें डिफरेंस क्या है, CUET PG के वाले टेस्ट सीरीज के अंदर आपको जो टेस्ट मिलेंगे उसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, आपको 15 टेस्ट मिलेंगे, 15 टेस्ट मिलेंगे, 15 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे जिसके अंदर आपके 100 क्वेश्चन होंगे, सेम वही पैटर्न जो आपके एग्जाम में आएगा सेम उसी पैटर्न पर आपके 15 फुल लेंथ टेस्ट होंगे। इसके अलावा बहुत सारे आपको सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे, हर सब्जेक्ट के आपको 5 सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे, जैसे मैथ्स के 5 टेस्ट सेक्शनल टेस्ट, इस तरह से रीजनिंग के 5 टेस्ट, कंप्यूटर के 5 टेस्ट, हिंदी इंग्लिश के 5 टेस्ट, इस तरह से आपको 5 सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे।
और इसके अलावा आपको चैप्टर वाइज टेस्ट भी दिए जाएंगे। जैसे मान लो आपने मैथ्स के अंदर परसेंटेज को कवर कर लिया, तो परसेंटेज का एक अलग से उसमें टेस्ट होगा, उस टेस्ट को आप जाके दे सकते हो। बेसिकली ये जो टेस्ट सीरीज होगी बेसिकली कोर्स के साथ इंटीग्रेटेड होगी। जिस तरह से आपको, जैसे मान लो कोर्स में आपने एक टॉपिक कर लिया, परसेंटेज का एक टॉपिक किया, तो आप जाके परसेंटेज का टेस्ट दे दो। इसके बाद मान लो आपने मैथ्स का पूरा सेक्शन कवर कर लिया या रीजनिंग का पूरा सेक्शन कवर कर लिया, तो आपके जाके रीजनिंग के सेक्शनल टेस्ट दे सकते हो। इसके अलावा मान लो आपने दो तीन सेक्शन जो है ठीक ठाक कवर कर लिया, जैसे मान लो मैथ्स रीजनिंग जीके आपने ठीक ठाक कवर कर ली, तो आप अपने फुल लेंथ टेस्ट जो है देना स्टार्ट कर सकते हो। तो आपको ध्यान रखना है 15 फुल लेंथ टेस्ट आपको मिलेंगे। इसके अलावा पाँच पाँच सेक्शनल टेस्ट हर सब्जेक्ट के, और बहुत सारे आपको टॉपिक वाइज टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। 3 ईयर LLB वाले जो टेस्ट सीरीज होगी इसके इसके अंदर ये सारे तो आपको मिलेंगे। CUET PG के अंदर जितने टेस्ट है वो तो इसके अंदर मिलेंगे ही। इसके अलावा MHCET के 5 टेस्ट अलग से, ये 5 टेस्ट फुल लेंथ टेस्ट होंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी के 5 फुल लेंथ टेस्ट अलग से, इसके अलावा अलाहाबाद यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, इन यूनिवर्सिटीज़ के भी 5-5 फुल लेंथ टेस्ट आपको अलग से देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो लीगल सेक्शन होता है या फिर ऐसे कुछ सेक्शन होते हैं जो इन टेस्ट में आते हैं, उसकी आपको सेक्शनल टेस्ट भी देखने को मिलेंगे। लीगल के आपके जो टॉपिक वाइज टेस्ट हैं वो भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि दो तरह के कोर्स हैं, एक CUET PG के लिए स्पेसिफिकली और एक 3 ईयर लॉ के लिए, उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। टेस्ट सीरीज आपके कोर्स के अंदर इंक्लूडेड है। अगर आपको कोर्स ज्वाइन नहीं करना, सिर्फ टेस्ट सीरीज देनी है, क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं, तो उसके लिए आप सिर्फ टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो। होपफुली ये सारी डिटेल्स आपको समझ में आ गई होंगी। नहीं आई तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है टेस्ट आप कोर्सेज का और टेस्ट सीरीज का, वहाँ पर जाकर आप पढ़ लो, सारी डिटेल्स वहाँ पर मेंशन की हुई हैं। अब देखो फी कितनी है, तो यहाँ पे फी मैंने मेंशन कर दी है, लेकिन इतनी फी आपको पे करने की जरूरत नहीं है। जो चैनल का सब्सक्राइबर है, जो रेगुलरली वीडियोस को देखते हैं, उनके लिए डिस्काउंट भी है। वो डिस्काउंट कितना आपको मिलेगा तो वो आपको मैं बता देता हूँ। अब देखो डिस्काउंट आपको कितना मिलेगा, तो जो भी यहाँ पे फी मेंशन की हुई है, अगर आप 5 अगस्त के पहले पहले कोर्स या टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लेते हो, क्योंकि जो सब्सक्राइबर है वो तो जल्दी वीडियो को देखेंगे, तो ये डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए है। तो मोस्ट वेली जो सब्सक्राइबर होगा, आज 3 तारीख है, तो 3-4-5-3 दिन के अंदर मोस्ट वेली जो सब्सक्राइबर्स होते हैं वो वीडियो देख लेते हैं। तो अगर आप सब्सक्राइबर हो, आप 5 अगस्त के पहले इन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। जो कूपन कोड आपको यूज़ करना है वो है LLB60। LLB60 आप कूपन कोड यूज़ करोगे तो इन चारों के चारों कोर्सेज में, या टेस्ट सीरीज और कोर्सेज के अंदर आपको फ्लैट 60% का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। जो भी प्राइस यहाँ पे लिखा हुआ है उसका 60% ही आपको, 60% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। सिर्फ और सिर्फ 40% आपको पे करना पड़ेगा, लेकिन इसकी जो लास्ट डेट है वो 5 अगस्त के लिए। इसके अलावा यहाँ पे 15 अगस्त है, ठीक है, ये मिस्टेक हो गई है, ये 15 अगस्त है। 15 अगस्त तक आप अगर ज्वाइन करते हो तो आपको डिस्काउंट मिलेगा 50%, ठीक है। LLB50 आपको कूपन कोड यूज़ करना है। 15 अगस्त तक अगर आप ज्वाइन करोगे, 15 अगस्त यानी कि इंडिपेंडेंस डे तक आप ज्वाइन करोगे तो आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। 5 अगस्त तक आप ज्वाइन कर लेते हो तो आपको 60% डिस्काउंट मिलेगा। तो देखो 60% अगर आप डिस्काउंट देखते हो तो जो टेस्ट सीरीज है LLB वाली या CUET PG वाली, वो आपको सिर्फ 600 के अंदर देखने को मिल जाएगी। इसी तरह से जो आपको ये कोर्स है वो कोर्स आपको सिर्फ 2400 के अंदर आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, और इसके अंदर आपकी कंप्लीट टेस्ट सीरीज जो है वो भी आपकी इंक्लूडेड है। 3 ईयर लॉ वाली जो टेस्ट सीरीज है, इसके अंदर आपकी CUET PG, MSCET PU, LU, AU, ये सारे टेस्ट सीरीज आपकी इंक्लूडेड है। ये आप सिर्फ 1000 रुपीज़ में ज्वाइन कर पाओगे, और जो आपका पूरा कोर्स है 3 ईयर लॉ वाला, जो कि 9000 का ऐसे, लेकिन इसको आप सिर्फ 3600 के अंदर ज्वाइन कर पाओगे, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये सिर्फ 5 अगस्त तक आप इसको ज्वाइन कर पाओगे। जो LLB60 कूपन कोड है ये सिर्फ 5 अगस्त तक ही वैलिड है। LLB50 जो कूपन कोड है वो आपका 15 अगस्त तक वैलिड है। तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लो, आप कैलकुलेट कर लेना, उतना आपको पे करना पड़ेगा। जो फुल प्राइस है वो आपको पे करने की जरूरत नहीं है। तो जो भी आपके फ्रेंड वगैरह अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो उनको आप वीडियो शेयर कर सकते हो। बाकी और कोई आपकी क्वेरी तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो। चारों कोर्सेज का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप उसको जाकर ज्वाइन कर सकते हो। कोर्स आप एक्सेस कहाँ से कर पाओगे, तो आप ऐप से भी इसको एक्सेस कर सकते हो, वेबसाइट से भी एक्सेस कर सकते हो, एंड्रॉयड, iOS किसी भी डिवाइस में आप चाहो, विंडोज़ किसी भी डिवाइस में आप इसको एक्सेस कर सकते हो, कोई वहाँ पे इशू नहीं होगा। हर वीडियो को आप मल्टीपल टाइम्स देख सकते हो। एक टेस्ट को आप 3 बार अटेम्प्ट कर सकते हो, यानी कि जो भी टेस्ट आपका होगा उसको आप 3 बार अटेम्प्ट कर सकते हो। उसका सोल्यूशन जो है आप अनलिमिटेड टाइम एक्सेस कर सकते हो, सोल्यूशन आप अनलिमिटेड टाइम एक्सेस कर सकते हो। हर टेस्ट को आप 3 बार अटेम्प्ट कर सकते हो। बाकी सारी डिटेल्स जो आपको कोर्स में आप जाओगे तो उसमें डिटेल सेक्शन में आपको सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएंगी। बाकी और कोई आपकी क्वेरी तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दो। कमेंट जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे मैं अपना नंबर भी शेयर कर दूंगा, व्हाट्सअप नंबर। अगर आपकी कोई और क्वेरी है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हो। फॉर द टाइम बीइंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो।